नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं पीएस त्रिपाठी आपके साथ होली का हाल लेकर चला आया हूं। अब इस बार हम बात करने वाले हैं कि होली में इस बार क्या क्या रखें। याद रखें, शास्त्र सम्मत चर्चा हम करने वाले हैं, मतलब शास्त्रों में क्या लिखा है जो अब तक आपने नहीं किया। चलिए, होली में धर्मसिंधु ग्रंथ में कुछ चीजें लिखी हुई हैं जिसे आप अमल करके जिंदगी में ढेर सारी प्राप्तियां प्राप्त कर सकते हैं और बहुत सारी उलझनों से बच सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि होली में जो अग्नि इस्तेमाल होती है वो कोशिश करें कि वो प्रसूतिका के घर से मंगवा करके और अग्नि का स्थापन करें। आमतौर पे बिजौरा या नींबू का फल, नारियल होलिका दहन के बाद चढ़ाएं। इसमें गाय के गोबर का कंडा होलिका दहन में जरूर करें, इससे होलिका तृप्त होती है। होलिका दहन के अगली सुबह घी और दूध से होली की अग्नि को शांत करें और फिर भस्म निकालें और वो भस्म अपने घर में थोड़ा सा छिड़कें और अपने सभी परिवार के साथ धारण करें, इससे होलिका की संतुष्टि होती है। होलिका दहन के दिन और उसके पहले दिन को कड़ा दिन बोलते हैं। इस समय कोशिश करें कोई बहुत शुभ कार्य माने ग्रह प्रवेश, यज्ञोपवीत इत्यादि बिल्कुल न करें। वैसे भी होलाष्टक में ये 8 दिन वर्जित होते हैं, मगर इन 2 दिनों में शुभ कार्य करने से बचें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से आपको परेशानी और असफलताएं मिल सकती है। और फागुन का दिन हो, मतलब जिस दिन आप होलिका दहन कर रहे हो उस दिन भगवान विष्णु का हिंदोली में आरूढ़, मतलब झूले में आरूढ़ भगवान शिव का जो दर्शन करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मतलब ये वो तरीका है जिसको करने से आपकी होली एकदम हो जाएगी स्पेशल। इसके अलावा इस होली में क्या खास है, 1 मार्च को मघा नक्षत्र है और ये रात्रि को 11:47 तक रहेंगे। अतिगंड योग प्रातः 7:57 से होंगे, मतलब इसके बाद धृति योग लग जाएगा जो 4:28 अगले दिन तक रहेंगे। भद्रा रात्रि को 7:40 तक होंगे, तो इसलिए मुझे से लगता है कि जो हमने मुहूर्त बताया उस मुहूर्त में आप होलिका का दहन करें। होलिका दहन का जो मुहूर्त है शाम को 6:16 से लेकर के 8:47 तक होगा। होलिका दहन का जो मुहूर्त, एक बार फिर से मैं आपको बता दें कि 6:16 से 8:47 तक। भद्रा पुच्छ 5:54 से 6:58 तक। भद्रा का मुख 4:58 से 6:45 तक। जो रंग वाली होली, मतलब जिसे धुरेड़ी कहते हैं, वो होली 2 मार्च को खेली जाएगी। पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा प्रातः 8:57 से, मतलब 1 मार्च को 8:57 से पूर्णिमा प्रारंभ हो चुकी होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 2 मार्च को 6:21 सवेरे तक होगी। तो दोस्तों, ये वो तरीके हैं जिसको आजमा करके आप अपने धन में, स्वास्थ्य में चमत्कारिक बदलाव दिला सकते हैं। पिछले कई दिनों से लोग परेशान होकर के हमें ये फोन करते हैं, पंडित जी कि क्या करें, होली में क्या ऐसा समाधान करें जिससे सारी परेशानियां दूर हों, धार्मिक ग्रंथों में होली को लेकर के किस किस तरह के उपाय लिखे हैं, क्या सावधानियां लिखी हैं। ये बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने है और इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमने दिया कि इस बार होली आप प्रसूति के माने जिस घर में बच्चा हुआ हो, 10 दिन के भीतर जिस घर में बच्चा हुआ हो, जिस घर में सूतक लगा हुआ हो, वहां उस घर से किसी प्रसूतिका स्त्री के हाथ से अग्नि मंगवा करके होली में चलाएं और कंडा जरूर डालें, उसमें दूध और घी से अग्नि को शमन करें और भस्म धारण करें, नारियल और नींबू उस अग्नि में चढ़ाएं, तो आप देखेंगे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो दोस्तों, इस बार की होली आपके लिए बहुत शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हैप्पी होली।